हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। आज जो हम बाल मनोविज्ञान के तहत अपना ये सेशन कवर करने जा रहे हैं वो होगा एमसीक्यू रिलेटेड टू व्यक्तित्व की अवधारणा। व्यक्तित्व की अवधारणा का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी है, इसके ऊपर थ्योरी जो लेक्चर था वो पिछली क्लास में मैंने अपलोड किया था। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं इसी पे बेस्ड जो एमसीक्यू होने वाले हैं वो। बिना देरी के शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन की। जितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं वो तो मैं आपको कराती हूँ। जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि जो 5 टॉपिक्स दिए हुए हैं वो जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तब मैं एक मिक्स एमसीक्यू लेके आऊंगी। एक दो सीरीज जो उस पर रहेंगे जिसमें मिक्स क्वेश्चन हो हर टॉपिक के ऊपर। और जैसा कि अब डेट भी आ चुके हैं एग्जाम के, है ना, हॉस्टल वार्डन के एग्जाम का डेट आ चुका है जो संभावित है, तो अभी मैं जल्द से जल्द इसको पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाए, यही कोशिश रहेगी। और ऐसा होगा भी, कंप्यूटर के भी कुछ पार्ट्स बचे हैं और इसके ऊपर भी 3 टॉपिक्स जो है वो बचे हुए हैं जो कि जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। अगस्त के जो शुरू का हफ्ता होता है ना, फर्स्ट वीक, उसमें मैं कंप्लीट करा दूंगी आपको इसका कोर्स। उसके बाद फिर हम इंग्लिश के वीडियोस देखेंगे, यानी इंग्लिश भी फ्री में मैं आपको फ्री लेक्चर्स इंग्लिश के प्रोवाइड करूंगी यूट्यूब पे, जो इसके सिलेबस है उसके तहत। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने थ्योरी लेक्चर नहीं देखी है तो पहले आप वो देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने पूरा इस कॉन्सेप्ट को, जो कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी होता है या व्यक्तित्व की अवधारणा है, उसके ऊपर पूरा मैंने एक थ्योरी बताया है जो इम्पोर्टेंट है। और आज हम एमसीक्यू कर रहे हैं उसके ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा का पर्सनैलिटी शब्द किस लैटिन शब्द से बना है। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये एक लैटिन शब्द से बना है। व्यक्तित्व वर्ड जो है, पर्सनैलिटी जो है, ये एक लैटिन वर्ड परसोना से आया है ना। ये आपको मैंने बताया था उस दिन, परसोना यानी हमारा जो पहला एग्जाम्पल, पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, परसोना। ठीक है, पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा के परसोना शब्द से लिया गया है। और इस परसोना का अर्थ क्या होता है, इंग्लिश में मास्क और हिंदी में हम इसे कहेंगे मुखौटा। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था कि नाटक करते समय जो मुखौटा पहना जाता था उसको कहते थे परसोना। तो उस टाइम पे बाहरी दिखावे या जो वेशभूषा है उसके आधार पर व्यक्तित्व को डिफाइन किया जाता था, है ना, बाह्य रूप में। पर आधुनिक काल में ये सही नहीं माना जाता। जो व्यक्तित्व का मापन है वो अब सिर्फ बाहरी वेशभूषा से या बाह्य रूप से नहीं डिफाइन किया जाता है। इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसा मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि प्राचीन काल में उस समय पर व्यक्तित्व यानी जो पर्सनैलिटी है प्राचीन काल में वो किस पर आधारित थी। प्राचीन समय की बात हो रही है। सबसे पहला ऑप्शन लिखा है सर्वांगीण विकास यानी ओवरऑल डेवलपमेंट, दूसरा है शारीरिक रचना पर, दोनों पर या इनमें से कोई नहीं। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि पहले के समय जो मुखौटा मास्क है जो नाटक करते समय लोग पहनते थे उससे ये वर्ड लिया गया परसोना। लेकिन वो क्या था, एक गलत डेफिनेशन थी, क्योंकि उस समय तो आप अपने रूप को बदल ले रहे हो, आप दूसरे एक रूप में आ जा रहे हो, तो उसको हम पर्सनैलिटी कैसे बोलेंगे। परंतु प्राचीन काल में व्यक्तित्व जो है वो किस पर आधारित था, आप जैसे दिख रहे हो आपकी शारीरिक रचना पर, यानी ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा आधुनिक काल पूछा या प्राचीन काल पूछा है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका शारीरिक रचना पर, दोनों पर आप मत लिखिएगा। सर्वांगीण विकास अभी नहीं, मतलब प्राचीन काल में नहीं होगा, है ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट, व्यक्तित्व के निर्माण की शुरुआत होती है, व्यक्तित्व के निर्माण मतलब जो आपकी पर्सनैलिटी है वो डेवलप होना कब से शुरू होती है। ऑप्शन ए परिवार, कहाँ से होती है उसकी शुरुआत, विद्यालय, समाज या इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका परिवार वो सही उत्तर है, क्योंकि व्यक्तित्व का निर्माण कहाँ से शुरू होता है, परिवार से। जब आपका जन्म होता है, एक तो व्यक्तित्व हमने पढ़ा है कि वंशानुक्रम, ठीक है, वंशानुक्रम है, और दूसरा वातावरण, इस पे बेस्ड रहता है। तो जो वंशानुक्रम है वो तो आपको मिली हुई है ना, और वातावरण क्या है, वातावरण जो आप स्वयं आप अपने आप को उसमें ढालते हैं। तो परिवार जो है, एक तो पहला चीज वही होगी कि व्यक्तित्व के निर्माण कहाँ से शुरू होती है, परिवार। जैसा जिस परिवार में, जिस माहौल में आप जन्मे हैं, व्यक्तित्व का निर्माण वहीं से शुरू होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परिवार। उसके बाद विद्यालय और समाज से उसका परिचय होता है, मतलब समाज से फिर विद्यालय से, लेकिन सबसे पहला शुरुआत कहाँ पे होती है, इसकी परिवार से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किसके अनुसार हम जो करते हैं वही व्यक्तित्व है, हम जो करते हैं बस वही हमारा व्यक्तित्व है, ये कहने वाले थे वॉटसन।
ठीक है, ये चीजें कथन जो है वो आपका थोड़ा कहीं ना कहीं ट्रिक लगा के या कुछ ना कुछ करके आपको वो याद रखना पड़ेगा। ये सब मैंने कराया है कि किसके अनुसार हम जो करते हैं वही व्यक्तित्व है। ये कहा है वॉटसन ने कि वही व्यक्तित्व है, वॉटसन ने कहा, क्या जो हम जो भी कर रहे हैं बस वही हमारा व्यक्तित्व झलकता है उससे। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। किसके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है? व्यक्ति के गुणों का, जो व्यक्ति का गुण है, जितने भी उसके गुण है, उसका पूरा एक कंप्लीट समन्वित रूप है। किसके अनुसार ये बात कही गई थी? ऑप्शन है वॉटसन, रॉस, फ्रॉयड या गिलफोर्ड। तो किसने कहा था कि व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है? अगर ये पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर डी जो है, गिलफोर्ड, ये आपका उत्तर होगा। आप उस लेक्चर को जरूर देखिए, अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है, उसमें मैंने आपको बताया था कथन, कथन भी हम अलग से, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट रखी थी कि किसने क्या कहा है, उसको आपको याद रखना है। ठीक, तो अगर पूरा बोला जाए कि हम जो कर रहे हैं वही व्यक्तित्व है, तो वॉटसन, ठीक है, और जो गुणों का समन्वित रूप है वो बोल दिया जाए तो गिलफोर्ड। किसके अनुसार व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है? अब इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में वैलेंटाइन जो ऑप्शन है आपका, वो सही उत्तर है। उन्होंने बहुत अच्छा एक डेफिनेशन दिया था कि जो व्यक्तित्व है जन्मजात, यानी आपका वो भी आ गया इसमें, वंशानुक्रम हेरिडिटी वो भी आ गया इसमें, प्लस अर्जित, अर्जित किया है मतलब आपने वातावरण के हिसाब से खुद को ढाला है, अडॉप्ट किया है, तो आपने उसे अर्जित भी किया है और आपका वो वंशानुक्रम जन्मजात भी है, तो ये चीज बिल्कुल सही है, उसका ही योग है। ये किसने कहा था? वैलेंटाइन ने कहा था। 6 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, वैलेंटाइन। ठीक, नेक्स्ट, किसके अनुसार वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है? मतलब किसने कहा था कि वातावरण के साथ जो हम सामान्य या स्थायी एडॉप्टेशन करें, खुद को ढाल ले, वही हमारा व्यक्तित्व है? ये कहा था बोरिंग ने। ठीक है, आईजेंक, डेसिल, कैंप और बोरिंग, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बोरिंग ने। इन्होंने कहा था कि वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन जो हम कर लेते हैं बस वही हमारा व्यक्तित्व है। क्वेश्चन नंबर 8, बालक का विद्यालय, खेल का मैदान, समाज, परिवार आदि कारक किसके अंतर्गत आते हैं? मतलब एक बालक है, ठीक है, एक बालक है, तो उसके लिए जो उसका विद्यालय है, जो उसका स्कूल है, ठीक, प्लस जो उसका प्ले ग्राउंड है यानी खेल का मैदान है, जो समाज है यानी सोसाइटी है, परिवार है, फैमिली है, ये सारे जो कारक है वो किसके अंदर आएंगे? क्या वो उसका वातावरण डिफाइन करते हैं, क्या उसका मनोवैज्ञानिक कारण है, क्या वंशानुक्रम है, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर 8 का उत्तर क्या हो जाएगा, आप खुद एक बार गैस करिए, जिसमें आपका परिवार भी आ जा रहा है, सोसाइटी भी आ जा रही है, प्ले ग्राउंड भी। शुरुआत कहाँ से होती है ये हमने पढ़ लिया कि परिवार से होती है शुरुआत, है ना, लेकिन वो आगे बढ़ता है, वो समाज के साथ खुद को अडॉप्ट करता है ना, आसपास के लोगों से घुलता मिलता है, उसके बाद वो स्कूल जाता है, वहां बच्चों के साथ मिलता है, खेलते हैं, समझते हैं चीजों को, है ना, कितने लोगों से मिलते हैं, तो ये पूरा जो उसका एक समाज, उसको माहौल मिला है, वो क्या कारक है उसके लिए? क्या वो वातावरण के अंदर आएंगे, क्या वो मनोवैज्ञानिक कारक बनेंगे, वंशानुक्रम, बिल्कुल नहीं, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर 8 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन 8 का, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, यानी वातावरण, उसका जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर ये सारी चीजें आ जाती है। सिर्फ परिवार की बात की जाएगी तो वंशानुक्रम के अंदर आता है वो, लेकिन जो स्कूल है, प्ले ग्राउंड है, सोसाइटी है, फैमिली है, सब मिलके किसके अंतर्गत आ रहा है, क्या कारक है वो? वातावरण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा दृष्टिकोण सबसे उचित दृष्टिकोण है क्योंकि इसमें वैज्ञानिकता पाई जाती है? अब कौन से दृष्टिकोण में, यानी व्यक्तित्व के लिए, जब पहले व्यक्तित्व को किससे डिफाइन किया जाता था, मैंने बताया ना, बाह्य रूप से, है ना, वेशभूषा से। धीरे धीरे जब इस पे रिसर्च होने शुरू हुए तो लोगों को समझ आया कि आपका बाहरिक रूप जो है वो नहीं, यानी कि आपका आंतरिक रूप भी मैटर करता है। आप पर्सनैलिटी को सिर्फ उस कारक से डिफाइन नहीं कर सकते, बल्कि आपका जो अंतर का, मतलब जो आपकी जो भी चीजें हैं, कैरेक्टर है, वो सब कुछ मिलकर पर्सनैलिटी बनती है। तो कौन सा दृष्टिकोण सबसे सही दृष्टिकोण है क्योंकि उसमें वैज्ञानिकता, जहां वैज्ञानिकता प्रमाण आपको मिलता है वो उसे सही मानते ही हम, तो कौन सा दृष्टिकोण हो जाएगा? दार्शनिक, समाजशास्त्र, मनोवैज्ञानिक या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी जो है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये सबसे उचित दृष्टिकोण है क्योंकि इसमें मनोवैज्ञानिकता, इसमें वैज्ञानिकता पाई जाती है ना, रिसर्च होते हैं इसके बेसिस पे। वैसे भी बाल मनोविज्ञान, मैंने बताया ना, मनोविज्ञान का ब्रांच है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत के जन्मदाता हैं? देखिए, जब मैंने आपको बताया था
जब हम पर्सनैलिटी को डिवाइड करते हैं तो हम उसे टाइप अप्रोच में, ट्रेट अप्रोच में और एक मनोविश्लेषणवाद अप्रोच, इसमें डिवाइड करते हैं। मतलब टाइप अप्रोच मतलब प्रकार सिद्धांत, ट्रेट अप्रोच मतलब शील गुण, है ना, और एक होता है मनोविश्लेषणवाद। तो जब हम मनोविश्लेषणवाद की बात करेंगे तो आपको याद रखना है कि फ्रायड जो है उन्होंने, वो इस सिद्धांत के जन्मदाता थे। ठीक, चलिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि शारीरिक रचना के आधार पर किसने व्यक्तित्व को डिफाइन किया या बांटा शारीरिक रचना के आधार पर, तब आपका उत्तर हो जाएगा क्रैशमर ने किया था और शेल्डन ने, है ना। लेकिन अगर फ्रायड की बात की जाएगी तो मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत के जन्मदाता फ्रायड होंगे। उन्होंने ही व्यक्तित्व के पहले व्यापक सिद्धांत का श्रेय उनको ही दिया जाता है। ठीक है, व्यक्तित्व के पहले व्यापक सिद्धांत का श्रेय किसको दिया जाता है, फ्रायड को दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका उत्तर हो जाएगा ए, फ्रायड। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, किसके अंतर्गत बालक की रुचि, अभिवृत्ति एवं अभिक्षमता आदि आती है। अभी हमने पढ़ा वातावरण, जिसमें स्कूल, उसका, उसकी फैमिली, सोसाइटी, समाज, ये सब आते हैं। अब क्या पूछा जा रहा है प्रश्न में, देखिए कि बालक की रुचि मतलब बालक का इंटरेस्ट किस में है। ठीक, दूसरी अभिवृत्ति या अभिक्षमता मतलब ये उसके आंतरिक रूप है, आंतरिक रूप है। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, पहला वातावरण, जो कि बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यहाँ वहां ये बाहर जाके लोगों से मिल नहीं रहा है। ये उसके अंदर का जो के जो विचार है या जो अंदर के उसकी रुचि है, जो वो सोचता है, समझता है, जैसा उसका स्वभाव है, ये वो है। तो वातावरण नहीं है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक कारक, क्या ये मनोवैज्ञानिक कारक है, क्या ये वंशानुक्रम है, वंशानुक्रम या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सभी भिन्न, जैसा मैंने आपको बताया कि वंशानुक्रम तो होता है लेकिन एक ही पेरेंट्स के दो अलग अलग बच्चे होते हैं तो दोनों की पर्सनैलिटी अलग होती है तब भी, है ना, क्योंकि उनकी भी खुद की एक रुचि होती है ना, क्षमता होती है। तो ये जो कारक है ये कौन से कारक कहलाएंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है 11वां का, ऑप्शन नंबर बी मनोवैज्ञानिक कारक, ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। वातावरण अर्जित गुण है उनके, है ना, और ये जो गुण रहता है बालक की रुचि, उसकी जो बुद्धि है, उसकी जो आदतें हैं, चरित्र है, योग्यता है, ये सारी चीजें ये किसके अंदर आती है, उसके आंतरिक गुण, यानी कि वो उसका मनोवैज्ञानिक कारक होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्यक्तिगत को शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तिगत नहीं व्यक्तित्व है, माफ करिएगा व्यक्तित्व। क्वेश्चन नंबर 12, व्यक्तित्व को शारीरिक रचना के आधार पर किसने वर्गीकृत किया था। ठीक है, हाँ चलिए वर्गीकृत किया था। तो अभी मैंने आपको बताया कि शारीरिक रचना के आधार पर अगर बांटने की बात की जाएगी तो एक तो थे क्रैशमर और एक शेल्डन। तो दोनों अगर दिया रहेगा तो दोनों, और अगर कोई एक दिया तो आपको देख लेना है। तो अगर मैं शारीरिक रचना की बात करूं तो फिर क्रैशमर ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका उत्तर हो जाएगा। इसमें मैंने आपको क्या बताया था क्रैशमर वाली चीज में, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि व्यक्तित्व के सिद्धांत जो थे, थ्योरी, उसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद दिला देती हूँ, टाइप अप्रोच यानी प्रकार, प्रकार सिद्धांत सबसे पुराना सिद्धांत यही है। व्यक्तियों को अलग अलग प्रकार में हम बांटते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार में। सबसे पहला वैज्ञानिक प्रकार, अगर ये पूछ दिया जाए कि सबसे पहला वैज्ञानिक प्रकार किसने दिया था, तो हिपोक्रेट्स ने दिया था, ये मैंने आपको बताया था उस टाइम, है ना, हिपोक्रेट्स ने दिया था। इंग्लिश में भी लिख देती हूँ, हिपोक्रेट्स ने 400 BC में, ठीक है। इनके हिसाब से जो वो पित्त वाली चीजें थी, जिसके अंदर पीला पित्त होता है, जिसके अंदर काला पित्त होता है, जिसके अंदर रक्त की मात्रा अधिक होती है, या वो कफ प्रवृत्ति का होता है, तो उसके स्वभाव कैसे होते हैं उन्होंने बांटा था, याद आया आपको। ठीक, उसके बाद जब हम टाइप अप्रोच उसकी बात करते हैं, ये उन्होंने द्रवों के आधार पर बांटा था हिपोक्रेट्स ने। अब उसके बाद यही शारीरिक गुण के आधार पर भी आता है मनोवैज्ञानिक, है ना, जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने प्रकार सिद्धांत को और दो श्रेणियों में बांटा था। एक तो शारीरिक गुण, जो आपके शारीरिक गुण के आधार पर हम बांटे, दूसरा मनोवैज्ञानिक गुण के ऊपर बांटे। तो शारीरिक गुण के ऊपर अभी मैंने बताया कि क्रैशमर और शेल्डन तीनों ने तीन तीन प्रकार बताए थे, ठीक है, तीन तीन प्रकार बताए थे शारीरिक के ऊपर। जैसा कि क्रैशमर ने बताया था तीन टाइप के होते हैं, पहला पिकनिक टाइप, पिकनिक एक जैसा ही है, आपको बहुत ज्यादा मैं नहीं याद करने दूंगी क्योंकि ये मतलब जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता दी हूँ, डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, और जो बचा भी होगा वो हम MCQ में कवर कर लेंगे आगे आने वाले समय में। एस्थेनिक,
ये तीन अगर पूछ दिया जाए, ये तीन पार्ट्स किसने डिवाइड किया था, तो क्रैशमर ने किया था, और शेल्डन ने भी शरीर के आधार पर शारीरिक ही किया था, लेकिन उन्होंने सिंपल वर्ड्स यूज किया, आप ऐसे याद कर लीजिए, जैसे कि गोलाकार, जिस व्यक्ति का गोलाकार का रहता है शरीर, आयताकार और लंबाकार, तो उसके क्या क्या क्वालिटीज, कैसी पर्सनैलिटी होती है, इस टाइप उन्होंने डिफाइन किया था। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया था, शारीरिक रचना पे उसे बताया। और मनोवैज्ञानिक की बात की जाएगी तो यूंग, गिलफोर्ड और आइजेंक, ये सब किसके आधार पर किए थे, मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर उन्होंने बांटा था। ठीक, ये हम टाइप अप्रोच पढ़ रहे हैं। फिर आता है शील गुण अप्रोच, जिसमें भी फिर हम क्या पढ़ते हैं कि जो शील गुण कहलाते हैं, जैसे कि मानसिक ट्रेट्स आपके जो हैं, शारीरिक, सामाजिक, ये सब आता है ना। और उसके बाद मनोविश्लेषणवादी, जो किसने दिया था, फ्रॉयड ने दिया था। चलिए, तो यहाँ पे बोल रहा है कि शारीरिक रचना के आधार पर किसने किया, क्रैशमर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, यूंग ने, यहाँ पे यूंग लिखा है, यूंग या जुंग दोनों दे सकता है, याद रखिएगा यूंग जुंग दोनों बोला जाता है, उनका इंग्लिश में ही उनका स्पेलिंग ऐसा है, इसलिए यूंग ने मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से, अभी मैंने बताया शारीरिक से क्रैशमर शेल्डन ने किया था, और मनोवैज्ञानिक तरीके से किसने किया था भाई, मैंने अभी बताया ना कि यूंग ने किया था, गिलफोर्ड ने किया था, गिलफोर्ड, यूंग, और एक है आपका आइजेंग। मैंने ये भी आपको बताया था कि जो जुंग है या यूंग है, इन्होंने क्या बताया था, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, याद आया आपको, है ना, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। ठीक, ये सब जुंग ने बताया था। आइजेंक ने उसी में क्या ऐड कर दिया, एम्बीवर्ट, मतलब दोनों का मिक्स, जिसको हम बोलते हैं उभयमुखी। तो अलग से ऐड किसने किया, आइजेंक ने किया था। लेकिन अगर जन्मदाता की बात कर दी जाएगी तो आप इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट उभयमुखी जुंग को बोलेंगे कि इन्होंने भाई, ये बेसिक इनका नाम दिया रहेगा तो आप लिख देंगे कि हाँ इन्होंने बनाया था, लेकिन अलग से आइजेंक ने उभयमुखी को बनाया था। तो अब इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में, 13वें क्वेश्चन में, कि यूंग ने वैज्ञानिक दृष्टि से व्यक्ति को कितने भागों में बांटा है। अभी मैंने बताया इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में, एक दो, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो उत्तर हो जाएगा, दो भागों में बांटा था आइजेंक। जब उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने तीसरा टाइप इसी का बताया था। नेक्स्ट, मनोविश्लेषणवादी ने, विश्लेषणवाद ने व्यक्तित्व के, व्यक्ति के जीवन के कितने वर्ष व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण माने हैं। ठीक, तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है प्रारंभिक 1 वर्ष, प्रारंभिक 5 वर्ष, प्रारंभिक 10 और प्रारंभिक 15। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा, प्रारंभिक 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी जो है 14th का, वो आपका उत्तर हो जाएगा। मनोविश्लेषणवाद जो होते हैं, जो इस चीज को सपोर्ट करते हैं, वो मानते हैं कि व्यक्ति के जीवन के जो शुरू के 5 साल हैं, वो उनके व्यक्तित्व निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हालांकि जो आपका व्यक्तित्व है वो क्या है, बदलता है, मैंने बताया था ना, स्थिर नहीं है, मतलब वो अलग बदलता है, ठीक है, वातावरण के हिसाब से, जैसे आपकी ग्रोथ होती है उसके हिसाब से बदलते हैं, वो यूनिक है, स्पेसिफिक है, सबका एक अलग ही पर्सनैलिटी होता है। ठीक, तो ये एक डायनेमिक है, यानी गत्यात्मक संगठन, ये भी मैंने आपको बताया था, और क्या बताया था कि ये तीनों पक्ष, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक, ये सारे से मिलकर बना हुआ है, तो ये गतिशील है, स्थिर नहीं है, लेकिन जो उसके पर्सनैलिटी के निर्माण में, शुरुआती जो निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण क्या माना गया, तो प्रारंभिक 5 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दृष्टिकोण से व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा गया है। अच्छा ठीक है, 15th का ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका उत्तर हो जाएगा, भारतीय दृष्टिकोण से व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा गया है। ये उस समय मैं नहीं लिखाई थी, अभी आप नोट कर लीजिए, करना है तो पहला हो जाएगा सात्विकी, नाम से ही समझ में आ जाएगा, सात्विकी मतलब प्योर, ठीक है, दूसरा राजसी और तीसरा तामसी। तो इस तरीके से 3 भागों में बांटा गया है। चलिए नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, ये हम भारतीय दृष्टिकोण के हिसाब से हमने बोला है ना, 16th, हिप्पोक्रेट्स ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया था। पहला, सामाजिकता के आधार पर, शारीरिक बनावट के आधार पर, नहीं, संवेदन स्वभाव के आधार पर, संवेदन कोई संवेग, और चौथा, चिंतन एवं कल्पना शक्ति के आधार पर। तो हिप्पोक्रेट्स वह व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले, मैंने आपको बताया ना कि 400 BC में सबसे जो वैज्ञानिक पहला वैज्ञानिक प्रकार का सिद्धांत दिया था उन्होंने बताया था। ठीक है, उनके हिसाब से उन्होंने क्या किया था, जो पित्त है, बाइल इंग्लिश में हम इसे कहते हैं, BILE, यानी पित्त, उसके द्रवों के आधार पर उन्होंने बांटा कि एक पीला पित्त होगा, ठीक है, वो व्यक्ति जिनमें पीला पित्त की मात्रा अधिक रहती है तो उनका स्वभाव कैसा होता है, गुस्सैल होता है।
ठीक है, चिड़चिड़ा, बेचैन। दूसरा था काला, तो जिनके में काले पित्त की मात्रा है अधिक, समझिए उनका स्वभाव उदासीन है, निराशावादी टाइप का है। फिर जिसमें रक्त की मात्रा अधिक है, ठीक, रक्त की मात्रा, रुधिर की मात्रा, वो प्रसन्न है, ठीक है। कैसे टाइप के होते हैं वो? प्रसन्न, खुश मिजाज और उत्साही होते हैं। और चौथा है कफ प्रवृत्ति, तो जिसकी कफ प्रवृत्ति रहती है उनका स्वभाव कैसा है? शांत और इनएक्टिव, निष्क्रिय टाइप, ऐसे रहते हैं। ये मैंने आपको बताया था, है ना, निष्क्रिय, इनएक्टिव, इस तरीके के रहते हैं। तो हिप्पोक्रेट्स ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया? स्वभाव के आधार पर। स्वभाव के आधार पर किया ना भाई, कि जो पीला है वो गुस्सैल वाले हो जाएंगे, जो कफ शांत निष्क्रिय है मतलब कफ वाले हो जाएंगे, काला उदासी हमने किया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 16th का, वो आपका सही उत्तर होगा। संवेग स्वभाव के आधार पर उन्होंने बांटा था, शारीरिक पर तो शेल्डन ने बांटा था और क्रैशमर ने, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17th। वुडवर्थ ने व्यक्ति व्यक्तित्व के शील गुणों की संख्या बताई है, 10, 11, 15, 12। तो याद कर लीजिए क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ अगर मतलब बेसिक जो संख्या आ जाए तो आप उसे याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 17th का ऑप्शन नंबर डी 12। वुडवर्थ ने व्यक्तित्व की शील गुणों की संख्या कितनी बताई है? 12। 18th, व्यक्तित्व मापन की प्रश्नावली विधि में जब प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में देने होते हैं तो यह कहलाती है। देखिए व्यक्तित्व मापन क्यों जरूरी है हमने पढ़ा है ना, किसी भी बच्चे की जो हिस्ट्री है वो आप जानेंगे तो आप उसका फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जो समस्याएं हैं उसे आप हटा सकते हैं। तो अगर ये, इसके लिए एक अलग अलग विधि होती है, तो प्रश्नावली विधि में जब प्रश्नों का उत्तर, मतलब कोई जो मनोवैज्ञानिक है वो प्रश्न पूछ रहा है किसी बालक से, जिसका भी उसको व्यक्तित्व का मापन करना है, उसे वो प्रश्न पूछ रहा है ये मनोवैज्ञानिक, ठीक है, और उसका उत्तर उसे हाँ या नहीं में देना है, हाँ या नहीं में देना है। तो इस विधि को, ठीक है, व्यक्तित्व मापन की प्रश्नावली विधि में जब प्रश्नों का उत्तर हाँ या नहीं में देने होते हैं तब वो क्या कहलाती है? बंद प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली, सचित्र या मिश्रित प्रश्नावली, है ना, बंद, खुली, सचित्र या मिश्रित। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है 18th का ए, वो आपका सही उत्तर हो जाएगा, बंद प्रश्नावली। क्योंकि आपको नाम से ही देख लीजिए उसका उत्तर हाँ या नहीं, मतलब मनोवैज्ञानिक ऐसा ही प्रश्न पूछेंगे जो सामने वाला व्यक्ति उसमें हाँ में उत्तर देगा या तो नहीं में उत्तर देगा, वो उसको डिफाइन करने या उसकी हिस्ट्री जानने ऐसा नहीं पूछेंगे, मतलब एक्सप्लेन करने नहीं बोलेंगे, उसका उत्तर केवल हाँ या नहीं में देना होता है। तो एक प्रकार की कैसी प्रश्नावली हो गई? बंद प्रश्नावली हो गई, है ना। खुली प्रश्नावली ही जस्ट अपोजिट होती है, जिसमें वो डायरेक्ट डायरेक्ट पूरा कन्वर्स हो। चलिए नेक्स्ट, हिप्पोक्रेट्स ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया? ये रिपीट हो गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर है 20। ऑप्शन नंबर 18 का ए मैंने बता दिया है, ठीक, हाँ। 19 रिपीट हो गया है सी। नेक्स्ट, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है। अब जो इंट्रोवर्ट वाले किस्म के लोग होते हैं, इंग्लिश में भी लिख देती हूँ, इंट्रोवर्ट, है ना, जो ज्यादा बातें नहीं करते, जो सबसे घुल मिल नहीं पाते हैं आसानी से, तो उनकी विशेषता क्या है, उनके व्यक्तित्व की क्या विशेषता है? पहले तो आपको याद रखना है कि अंतर्मुखी, बहिर्मुखी ये किसने बताया था, है ना, और उसके बाद ये ऐड इसमें एक उभयमुखी, ये ऐड किसने किया? तो युंग ने, या जुंग ने, उन्होंने बताया था अंतर्मुखी होता है और एक उभय, सॉरी, बहिर्मुखी होता है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट होता है। बाद में आईजेंक ने इसमें ऐड किया था एम्बीवर्ट, यानी जो दोनों का मिक्स होते हैं। तो युंग ने मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर बांटा था, क्योंकि मनोवैज्ञानिक कारक ही तो है। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता क्या है? पहला, इनका मुख अंदर की ओर धंसा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। इनके मुख की बनावट अन्य से भिन्न होती है, ऐसा भी नहीं लिखा है, मुख की बनावट। उन्होंने तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व, उन्होंने तो क्या किया था, मनोवैज्ञानिक तरीके से, है ना, उस तरीके से डिफाइन किया था, ना कि शारीरिक रचना के ऊपर। तो इस, ये तो नहीं होगा इनका मुख अंदर की ओर, इनका मुख की बना, ये भी नहीं होगा। इनमें नेतृत्व के गुण पाए जाते हैं या इनमें सामाजिकता के गुण कम पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो बिल्कुल सही उत्तर होगा, कि भाई हाँ, उनमें सोसाइटी में घुलने मिलने की, लोगों के साथ घुलने मिलने का जो गुण है वो उनमें कम ही रहता है, और एक्सट्रोवर्ट में ज्यादा रहता है, वो ये खुद को अकेला पाना ज्यादा पसंद करते हैं, है ना, आप भी जानते होंगे इन चीजों को, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। व्यक्तित्व मापन की किस विधि में किसी समूह के व्यक्तियों में से पहली पसंद का व्यक्ति चुनने के लिए कहा जाता है? अच्छा, व्यक्तित्व मापन में किस विधि में, अलग अलग विधि है, जैसे प्रश्नावली में प्रश्न पूछा जाएगा, निरीक्षण विधि है, रेटिंग, इसके लिए आपको रेटिंग उसमें देना है जो मनोवैज्ञानिक होंगे। तो व्यक्तित्व मापन की किस विधि में किसी समूह के व्यक्तियों में से
पहली पसंद का व्यक्ति चुनने के लिए कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 21, समूह में, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा समाज मिति, ठीक है, क्योंकि समूह के व्यक्तियों में, पूरे समूह में व्यक्ति हैं, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, समाज मिति। ठीक, नेक्स्ट, हमारे मस्तिष्क का, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 22 जो है, 22, उसका क्वेश्चन क्या लिखा है, हमारे मस्तिष्क का कितना भाग चेतन तथा अचेतन है, यानी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस रहता है, सॉरी सबकॉन्शियस। तो हमारे मस्तिष्क का कितना भाग, तो 22 का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए, 1/10 एवं 9/10, 1/10 और 9/10, यानी चेतन भाग आपका कितना है देख लीजिए, 1/10, और अचेतन भाग ये कितना है, 9/10। तो किसी दिन मैं अलग से आपको चेतन, अचेतन मन, अवचेतन ये बताऊंगी, और जो इड है, हिंदी में इड लिखते हैं, सॉरी नॉट इड, इड है ना, और अहम, फिर परम अहम, सुपर ईगो, इसको मैं डिफाइन करूंगी। ठीक है, तो चलिए, कितना भाग चेतन और अचेतन रहता है, तो 1/10 और 9/10। नेक्स्ट, यदि किसी व्यक्ति की शारीरिक संरचना दुबला पतला, लंबे कद एवं कमजोर मांसपेशियों से युक्त है, तो इस तरह के व्यक्तित्व, इस तरह से व्यक्तित्व प्रकार में, किस प्रकार में उसको रखा जाएगा? तो जो मैंने आपको बताया था कि एक पिकनिक प्रकार होता है, एक एस्थेनिक और एक एथलेटिक, ठीक, ये क्रैशमर ने बताया था। अब क्रैशमर के जैसा ही और शेल्डन ने बताया था, तो पिकनिक प्रकार के व्यक्ति को इन्होंने गोलाकार बोला था, ऐसे याद रखिएगा। एस्थेनिक एस्थेनिक एथलेटिक इन्होंने किसको बोला था, आयतकार को, एथलेटिक गलत लिखी हूँ क्या, हाँ ये ऊपर आ जाएगा, और एक होता है लंबाकार, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर जो हो जाएगा वो एस्थेनिक, एस्थेनिक हो जाएगा। 23 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, लंबे कद वाला एस्थेनिक, हाँ ये लंबा वाला हो गया, लंबाकार, गोलाकार, लंबाकार, और इधर ठीक लिखी थी मैं, आयतकार, गोलाकार, लंबाकार और आयतकार, ऐसे याद रखिएगा, बाकी सेम ही है। जो लंबे हैं वो एस्थेनिक प्रकार में आएंगे, जो गोल आकार के हैं वो पिकनिक प्रकार में आएंगे, है ना, और जो आयतकार यानी एथलेटिक प्रकार के। तो जहां आपने देख लिया लंबे कद एवं कमजोर मांसपेशी, वो किसके अंदर आ जाएंगे, एस्थेनिक। ऑप्शन आपका जो क्वेश्चन नंबर 23 है उसका ऑप्शन हो जाएगा बी, एस्थेनिक। नेक्स्ट, हिपोक्रेट्स द्वारा बतलाए गए व्यक्तित्व को गुस्सैल प्रकार निम्नांकित में किस द्रव या ह्यूमर की अधिकता होती है? क्या बताया मैंने, गुस्सैल प्रवृत्ति का व्यक्ति किसे बोलेंगे, जिसमें किस कलर की, किस रंग की जो का जो द्रव है वो अधिक हो, पीला पित्त, काला पित्त, रक्त या कफ? तो अभी मैंने बताया पीला पित्त व्यक्ति जो होता है, जिसके अंदर पीले पित्त की मात्रा अधिक होती है, येलो बाइल की, उस व्यक्ति का स्वभाव गुस्सैल, चिड़चिड़ा, बेचैन या रेस्टलेस होता है। अगर काला पित्त की बात की जाएगी तब उस व्यक्ति का स्वभाव उदास होगा या निराशावादी, ठीक है, काला से हम उसे ही डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि रक्त यानी कि प्रसन्न, उत्साही, और कफ प्रकृति जो रहता है, प्रवृत्ति, वो शांत, इनएक्टिव, निष्क्रिय रहते हैं। तो पीला पित्त जो है वो गुस्सैल व्यक्ति को डिनोट करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसने शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया? अगेन देख लीजिए, टर्मन, क्रैशमर, यूंग या विलियम? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रैशमर ने किया था। अगर क्रैशमर नहीं दिया शेल्डन, तो आपका उत्तर तब शेल्डन होता। नेक्स्ट, छात्र के असामान्य व्यवहार के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति असामान्य व्यवहार, कोई बालक है, कोई छात्र है, तो उसके असामान्य व्यवहार को, ठीक है, जो कि सामान्य नहीं है, नॉर्मल नहीं है, उसके अध्ययन के लिए इनमें से किस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? पहला पूछ रहा है अंतर्दर्शन प्रणाली का, व्यक्ति इतिहास रिपीट हो गया है, विकासात्मक प्रणाली का, इसका उत्तर हो जाएगा व्यक्ति इतिहास। क्योंकि याद करें, मैंने आपको बताया था कि व्यक्ति का इतिहास हम जानेंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना कि मतलब अगर कोई इंसान, कोई बालक चोर बना है, ठीक है, क्योंकि उसका माहौल वैसे मिला है, उसके उसके मान लीजिए वो अनाथ है, तो उसके ऊपर अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि उसका इतिहास क्या था, है ना। तो जब इस प्रणाली को तब उपयोग किया जाता है जब किसी बच्चे को जो इससे पीड़ित हो, किसी का कोई पास्ट सही नहीं हो, या फिर वो गलत कार्य कर रहा है ना, तो हम उसका पहले इतिहास जानते हैं, तभी तो हम प्रॉब्लम को एग्जैक्टली देख पाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है, और उसका फ्यूचर फिर सेटल कर पाएंगे। तो व्यक्ति के इतिहास प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, 27वां प्रश्न है, मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता है,
अभी जस्ट ये क्वेश्चन आ चुका है, बस घूम फिर के दूसरे लैंग्वेज में देगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फ्रॉयड, मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता कौन है? अभी बताया मैंने, फ्रॉयड। 28वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा वर्गीकरण क्रैशमर के व्यक्तित्व प्रारूप से संबंधित है? अब देखिए, इसमें से कौन सा क्रैशमर ने जो डिफाइन किया था, अलग अलग टाइप्स को बांट दिया था तीन में, कौन सा उसका नाम है? पहला लिखा है एंडोमॉर्फी, क्या अभी मैंने आपको बताया? नहीं, क्रैशमर ने ऐसा नहीं बोला था। मोसोमॉर्फी नहीं, एस्ट्रोमॉर्फी नहीं, पिकनिक प्रकार है ना, तो पिकनिक प्रकार हमने पढ़ा, पिकनिक प्रकार पढ़ा हमने, उसके अलावा एस्थेनिक पढ़ा, एथलेटिक पढ़ा, ये किसने बताया था? क्रैशमर ने बताया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 28वें का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 29, फ्रॉयड के अनुसार मन की संरचना का सही क्रम क्या है? फ्रॉयड मनोविश्लेषणवादी, तो उन्होंने मन की जो संरचना है उसका सही सीक्वेंस क्या है, सही क्रम क्या है? अति अहम, इदम अहम, इदम को ही इद भी कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में आईडी इड बोला जाएगा। अहम मतलब ईगो और अति अहम मतलब सुपर ईगो। तो इसका जो सही सीक्वेंस है वो इद होता है, फिर ईगो होता है, और फिर सुपर ईगो। सुपर ईगो यानी क्या हो जाएगा आपका? इदम अहम एंड देन अति अहम या परम अहम, एक ही है, परम अहम या अति अहम, ठीक है? तो कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है इद अहम परम अहम? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो 29 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा, इद अहम परम अहम। इसके बारे में अलग से एक क्लास लूंगी, बताऊंगी तब क्या होता है। एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें, एक संतुलित व्यक्तित्व मतलब एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी, ठीक है, बैलेंस्ड पर्सनैलिटी कौन सी होगी जिसमें, ऑप्शन ए पर्सनैलिटी, ऑप्शन ए जिसमें इद व सुपर ईगो के बीच संतुलन व्याप स्थापित किया जाए, इद व ईगो के बीच संतुलन, सुपर ईगो और इद ये लिखा है, दूसरे में इद व ईगो के बीच, तीसरे में इद एवं सुपर ईगो के बीच संतुलन। ये रिपीट हो गया है, सुपर ईगो के बीच। हाँ चलिए, ईगो को मजबूत बनाया जाता है, चौथा है, ईगो को मजबूत बनाया जाता है। तो आपका उत्तर ये वैसे भी नहीं है, आपका उत्तर है पहला ऑप्शन नंबर 30 का जो ए है, इद व सुपर ईगो इनके बीच एक संतुलन बना के रख सके, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अहम लिखा हुआ है, तो इसके बीच मतलब ना तो आप एकदम ज्यादा एक्सट्रीम इधर हो ना तो एकदम ज्यादा एक्सट्रीम इधर हो, इधर इद है, इधर ईगो है, इधर सुपर ईगो है, तो इन दोनों के बीच अगर संतुलन स्थापित है तो फिर वह एक संतुलित व्यक्तित्व है, ठीक है। चलिए, आज का जितना थ्योरी पोर्शन के ऊपर एमसीक्यू था वो मैंने कवर कर दिया जो इम्पोर्टेंट थे। पिछली लेक्चर अगर आप नहीं देखे तो पहले आप वो लेक्चर देख लीजिएगा, और कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि कम ज्यादा है तो फिर मैं अलग से एमसीक्यू लेके आऊंगी, जब ये सभी पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे, पांचों जो इसमें यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगा, तब मैं एक मिक्स लेके आऊंगी, ठीक है। और उसके लिए निश्चिंत रहिए, आपका जो कोर्स है वो पूरा हो जाएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।